like amaretto. So you can mix with the coffee. Cactus है यहाँ पर, ये सब कुछ cactus के fiber से बने हुए हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल हाइड आउट वीज। तो आज हम लोग मेक्सिको के आज एक ऐसे स्पॉट में जा रहे हैं जहाँ पर कैक्टस से काफ़ी सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। तो मेक्सिको में कैक्टस के काफ़ी सारे वैरायटी मिलते हैं, उसमें से नोपल कैक्टस इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल सिंबल ऑफ मेक्सिको। और यहाँ पर कैक्टस इतना इम्पॉर्टेंट है कि मेक्सिकन फ्लैग में भी कैक्टस है, क्योंकि ये एक पॉपुलर मिथ है मेक्सिको का दैट कैक्टस इज कंसिडर्ड एज अ लाइफ गिविंग प्लांट एज इट सीम्स टू लिव फॉर एवर। क्योंकि यहाँ पर ये भी बिलीव करते हैं कि कैक्टस लीव फॉल होता है और उसे एक नया कैक्टस होता है। देयरफॉर दे बिलीव दैट दिस इज द एप्ट सिंबल फॉर लाइफ एंड रिबर्थ साइकिल। तो आ गए हैं हम लोग उस स्पॉट में जहाँ पर कैक्टस से काफ़ी सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। और ये जो प्लेस है दिस इज़ अराउंड 60-70 किलोमीटर अवे फ्रॉम मेक्सिको सिटी। और ये जो स्पॉट है ये तियोतिवोकान के काफ़ी पास है। तो यहाँ पर ये जो कैक्टस हैं ये 5-6 मीटर्स ये टॉल होते हैं और कुछ कुछ तो 7-8 मीटर्स टॉल भी होते हैं। So this paper is stronger like the plastic and now is using in the Mexican food. So we get a big paper with meat, vegetables and wrap the food. Its name is Michiote. It's just for give flavor to the food. It's not for eating, it's just for cooking, just for wrapping. तो ये जो पेपर्स हैं ये कैक्टस पेपर्स हैं और ये पेपर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इवन आई कैन से दैट दीज पेपर्स आर स्ट्रॉन्गर देन अ नॉर्मल पेपर। सो वी मेड टेबल क्लॉथ्स। और इन सेम कैक्टस प्लांट के जो फाइबर हैं दे यूज इट फॉर मेकिंग रोप्स, हैट्स, कारपेट्स, बैग्स एंड टेक्सटाइल्स। तो इसीलिए कैक्टस यहाँ पर कोई वाइल्ड प्लांट नहीं है, सिर्फ एक वाइल्ड प्लांट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर इसे डोमेस्टिकेट किया जाता है और वो भी इनका कोई रीसेंट डेज में नहीं स्टार्ट हुआ है, ये इनका एज लॉन्ग ट्रेडिशन है। तो यहाँ कैक्टस के ऊपर ये नीडल लाइक पॉइंट जो है ये हंटिंग के लिए यूज होता था। तो इसीलिए यहाँ कैक्टस सिर्फ फूड के लिए नहीं, हर्बल मेडिसिन, कंस्ट्रक्शन, हंटिंग और रिलीजन राइट्स के लिए भी यूज होता है। It was using from the hunters. और यहाँ पर फाइनली हमने देखा लावा रॉक्स, क्योंकि मेक्सिको सिटी में, मेक्सिको सिटी से अराउंड 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मेक्सिको सिटी, यहाँ पर एक एक्टिव वॉल्केनो है और वॉल्केनिक एरप्शन जब होते हैं तब वहाँ से जो लावा प्रोड्यूस होते हैं उससे ये लावा रॉक होता है और इससे स्कल्पचर्स बनते हैं। If you want to be a god, first you need to die. So please, Mark, to say bye to the group. See you on the other line. So yes, this is when you are tired, when you are stressed. हम लोग यहाँ पर आए हैं एक और प्रोडक्ट ट्राई करने। कैक्टस से यहाँ पर टकीला बनता है, कैक्टस से लिक्विड प्रोड्यूस होता है, तो हम लोग उसे ही ट्राई करने यहाँ पर आए हैं। जैसे हर एक टूरिस्ट स्पॉट में सुवीनियर शॉप रहता है, उसी तरह यहाँ पर भी सुवीनियर शॉप्स थे और उसके साथ थे टेक्सटाइल शॉप्स जहाँ सारे प्रोडक्ट्स कैक्टस फाइबर के बने हुए थे। और यहाँ पर कैक्टस फाइबर के बने हुए काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स थे और उसी के साथ यहाँ पर थे लावा रॉक से बने हुए ज्वेलरीज और स्कल्पचर्स। और जैसे ये हैंड ब्रेसलेट ये लावा रॉक्स के बने हुए हैं। तो यहाँ पर जितने भी टेक्सटाइल्स हैं यहाँ पर ये सब कुछ कैक्टस के फाइबर से बने हुए हैं और मैंने एक ये वाला लिया है। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं ये एक
आर्टिसनल मार्केट है, एक हैंडीक्राफ्ट मार्केट हर एक टूरिस्ट स्पॉट पे है। ये यहाँ से हमने ये खरीदा है, जो कैक्टस फाइबर्स उन्होंने दिखाए थे उसी कैक्टस फाइबर्स और कॉटन को मिक्स करके, मतलब 80% कॉटन कैक्टस फाइबर रहता है और 20% कॉटन को मिक्स करके ये शॉल मैंने लिया है। ये हैंडमेड शॉल है। तो कैक्टस मेक्सिको में सिर्फ कल्चरली और हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इट माइट ऑल्सो सरप्राइज यू टू लर्न दैट कैक्टस इज़ अ स्टेपल इन मेक्सिकन क्यूज़ीन। इसीलिए हम लोग आ गए हैं एक ट्रेडिशनल मेक्सिकन रेस्टोरेंट में। तो यहाँ कैक्टस ऑलमोस्ट आपको हर जगह पे मिल जाएगा, बी इट अ रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड, लोकल मार्केट, ग्रोसरी शॉप्स एंड सर्टनली ईच एंड एवरी हाउस होल्ड ऑफ मेक्सिको यू विल गेट कैक्टस। कीड़ा मकोड़े के साथ कुछ है पैलेट, ये वाला जो पैलेट है। और डेफिनेटली कैक्टस यहाँ पर इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि हमने यहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया था इस ऑथेंटिक कैक्टस लीफ डिश का और ट्रेडिशनल मेक्सिकन टैकोस। और ये एस्टेक डांस फॉर्म, ये मेक्सिको का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है विच हैज़ बीन परफॉर्म्ड इन मेक्सिको सिंस अर्ली कॉलोनियल पीरियड। तो अगर आपको हमारा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर न्यू कंटेंट ऑफ मेक्सिको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।